हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज, अयोध्या में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से लेकर अभी तक अयोध्या में इतने ज़्यादा श्रद्धालु प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए यहां पर आ चुके हैं कि पूरा अयोध्या का रिकॉर्ड ही टूट चुका है। यहां पर करीब 4-5 दिन पहले यहां पर स्नान था, अमावस्या था, तो उस दिन यहां पर इतने श्रद्धालु आए थे दर्शन करने के लिए। इसके बाद से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए मैं एक एक चीज़ें आपको दिखाता हूँ, कहाँ पर कितने श्रद्धालु हैं, कहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, सारी चीज़ें इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। ये जो धर्म पथ है यहाँ पर देख सकते हैं पीछे हमारे, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है सूर्य स्तंभ, जो कि सूर्य की तरह कुछ ऐसा जलता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। और आगे की तरफ जाएंगे तो उधर बाईपास है जो गोरखपुर नेशनल हाईवे है NH-27, उधर की साइड में है, सामने की साइड में। लेकिन हम लोग चलिए अंदर की साइड में चलते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि यहां पर जो श्रद्धालु है कितने ज़्यादा मात्रा में यहां पर, कितने ज़्यादा भीड़ यहां पर हो गई है, जिससे कि अयोध्या में थोड़ा सा जो यहां पर सुरक्षा कर्मी है उनको भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, लेकिन सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको। अभी मैं मौके पर धर्म पथ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बसें वगैरह जा रही हैं, मतलब ये जो बसें आ रही हैं इसमें फुल होके लोग आ रहे हैं, और जो जा रही हैं वो भी बिल्कुल फुल होके जा रही है। देखिए यहाँ पर अभी ये बस फुल हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी और लोग भरेंगे जब थोड़ा सा आगे जाएगा बस, क्योंकि ये अभी यहाँ पर स्टॉपेज टाइप का बनाया गया है। थोड़ी देर यहाँ पर बस रुकती है, उसके बाद लोग भरना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं बसों में भर कर कुछ ऐसे अपने स्थान तक जा रहे हैं। एक बस यहाँ पर देखिए खड़ी है और इसमें जो श्रद्धालु है पूरा इस बस में भरा हुआ है। देखिए कुछ ऐसा, एक समय ऐसा था कि लग नहीं रहा था कि जो बसें चलाई जा रही हैं वो फुल होके चलेंगी, लेकिन आज का समय है कि लोग बसों में खड़े होकर लोग यात्राएँ कर रहे हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर लोग आ चुके हैं। अभी तो रात का टाइम है, जैसे जैसे यहाँ पर रातें हो रही हैं वैसे वैसे लोगों की संख्या कम हो रही है। बहुत से लोग जा भी चुके हैं और यहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, फोर व्हीलर वगैरह, वो अंदर यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, केवल उन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो लोकल गाड़ियाँ हैं, बाकी सभी को बाहर बाहर से जाने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि ये एक गाड़ी है, इसको भी पहले चेक किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तभी इसको अंदर जाने दिया जाएगा। और मैं यहाँ पर लता मंगेशकर चौक के पास पहुँच चुका हूँ। अभी हम लोग चलेंगे अंदर और राम पथ पर, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं जो प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। अभी मैं इधर की साइड से आ रहा हूँ, सामने की साइड से नया घाट, और उसको लता मंगेशकर चौक भी बोलते हैं, और इधर के साइड में जाना है क्योंकि इधर के साइड में ही राम जन्मभूमि है। और यहाँ पर देख सकते हैं राम पथ पर कितनी बढ़िया से यहाँ पर लाइटों को कितना बढ़िया से यहाँ पर लगाया गया है, जैसे राम जी का जो मस्तक का तिलक होता है कुछ उस आकृति में यहाँ पर लगाया गया है। थोड़ा सा लाइट अगर डाउन करके दिखाओ, देखिए कितना बढ़िया ये, कितना गजब का लग रहा है। कुछ ऐसी पूरी अयोध्या को सजाया गया है और यहाँ पर बहुत से लोग हो जाते हैं तो उनके लिए पूरे अयोध्या में माइक लगाई गई है कुछ ऐसा। जिनके पास फ़ोन वगैरह है वो तो काम चला लेंगे, जिनके पास फ़ोन नहीं है उनके लिए कुछ ऐसा माइक की व्यवस्था किया गया है, कहीं पर भी अयोध्या में रहें तो इस माइक से बुला सकते हैं। चलिए एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एक पेड़ है और इस पेड़ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे सजावटी लाइट लगाए गए हैं, और उसके अंदर में ऐसे जैसे चिड़िया का घोंसला लगता है वैसे कुछ ऐसा लग रहा है। और इस पथ पर कुछ ऐसा सजावट किया गया है, देखिए दूर से देखने में तो काफ़ी गजब का चलती है, मतलब लाइटिंग कितना गजब का इस पेड़ पर है। जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ों पर कुछ ऐसा ही यहाँ पर लगाया गया है। और थोड़ा सा आगे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी एक पेड़ है, यहाँ पर भी लगाया गया है। ऐसे ही जितने भी पेड़ हैं अयोध्या में, अयोध्या सिटी के अंदर में, वहाँ पर सभी जगहों पर कुछ ऐसी सजावट की गई है जो रात में काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। जैसा लगता है कि यहाँ पर चिड़िया ने घोंसला बना दिया है और उसमें कुछ ऐसी लाइट यहाँ पर लगा दी गई है।
और अब मैं गुरु वशिष्ठ चौक के पास आ चुका हूँ। इसको पहले टेढ़ी बाजार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर नया रोड बनाया गया है, पहले से रोड था लेकिन ये जो पुल आप देख रहे हैं सामने, ये पुल नहीं था, आगे ओवर ब्रिज है, आगे रेलों की क्रॉसिंग है, इसलिए इसको यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर मल्टी पार्किंग बिल्डिंग कुछ ऐसे यहाँ पर बने हुए हैं जिस पर काफ़ी बेहतरीन लाइट वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। और इधर के साइड में देखेंगे तो इधर के साइड में अगर जाएंगे तो आगे राम पथ जा रहा है, जो इधर के साइड में राम जन्मभूमि आपको लेकर जाएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर करीब से दिखाना चाहूँगा, चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ मल्टी कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाया गया है, अगर किसी को रुकना हो तो इधर के साइड में उस चीज़ की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर पार्किंग भी बना हुआ है। और यहाँ पर जो लाइट वगैरह है देखिए कितना बढ़िया से, यहाँ पर राम जी का तिलक वो कितना बढ़िया से यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एक LED लाइट से इन सबको बनाया गया है। और यहाँ पर पेड़ पौधे देखिए कितना बढ़िया से सुंदर से यहाँ पर लगाए गए हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कुछ ऐसे दिख रहे हैं, जब इस पर लाइट वगैरह पड़ गई तो और भी अच्छा ये लग रहा है। थोड़ा अगर क्लोज से दिखाऊं तो कुछ ऐसा प्रभु राम जी के मस्तक का तिलक ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। और ये रोड पर पूरे राम पथ पर जगह जगह पर ऐसे लगाया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि उधर की साइड में केवल पार्किंग का ही बनाया गया है, लेकिन इधर की साइड में अगर आपको रुकना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय तल पर यात्री निवास और तृतीय तल पर शुद्ध शाकाहारी भोजन, बैंकेट हॉल, ओपन टेरेस रेस्टोरेंट कुछ ऐसा यहाँ पर बनाया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 3 फ्लोर का ये बना हुआ है। तीसरे फ्लोर पर आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम वगैरह दिखाकर फिर अंदर जा सकते हैं। चलिए अभी हम लोग इधर की साइड में चलेंगे, बाइक से हम चलेंगे और आगे आपको दिखाएंगे। उस ब्रिज पर निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है, जल्द ही ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ये दूसरी तरफ वाला जो लेन है ये भी स्टार्ट हो जाएगा। केवल अभी ये 2 लेन ये अभी चल रहा है, जल्द ही उसको भी स्टार्ट कर लिया जाएगा और वो काम वगैरह वहाँ का फाइनल हो चुका है। चलिए मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। इधर के साइड में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन की रेलवे की जो पटरी है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा और वहाँ पर भव्य गेट बनाया गया है। इधर से हम लोग आए हैं और इधर के साइड में हमको जाना है और यहाँ पर मैं अभी पुल पर खड़ा हूँ। और ये जो पुल है, मतलब ये जो डबल लेन है इसको स्टार्ट कर दिया गया है और जो दूसरा लेन है इसके बगल वाला उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है, जल्द ही उसको भी स्टार्ट कर लिया जाएगा। देख सकते हैं कुछ ऐसा ये कंप्लीट हो चुका है, अभी रात में थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ ये अपडेट था आज का।